SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए राष्ट्र को संबोधित किया। ओलंपिक खेलों में गए भारतीय खिलाड़ियों को उन्होंने शुभकामनाएं दी और लोगों से ओलंपिक में गए भारतीय दल को प्रोत्साहित करने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ी चुनौतियों को पार कर पहुंचे हैं, उनका हौसला बढ़ाना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा देखकर पूरा देश रोमांचित हुआ। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगा लेकर चलते देखकर मैं ही नहीं पूरा देश रोमांचित हो उठा। पूरे देश ने जैसे एक होकर अपने इन योद्धाओं से कहा, विजय भवा, विजय भवा। जब ये खिलाड़ी भारत से गए थे तो मुझे इनसे गपशप करने का, उनके बारे में जानने और देश को बताने का अवसर मिला था। ये खिलाड़ी जीवन की अनेक चुनौतियों को पार करते हुए यहाँ पहुंचे हैं। आज उनके पास आपके प्यार और सपोर्ट की ताकत है, इसलिए आइए मिलकर अपने सभी खिलाड़ियों को अपनी शुभकामनाएं, उनका हौसला बढ़ाएं। सोशल मीडिया पर ओलंपिक खिलाड़ियों के सपोर्ट के लिए हमारा विक्टरी पंच कैंपेन अब शुरू हो चुका है। आप भी अपनी टीम के साथ अपना विक्टरी पंच शेयर करिए, इंडिया के लिए चीयर करिए। साथियों, जो देश के लिए तिरंगा उठाता है उसके सम्मान में भावनाओं से भर जाना स्वाभाविक ही है। देशभक्ति की ये भावना हम सबको जोड़ती है। मन की बात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप लोगों से मिला सुझाव ही मन की बात की असली ताकत है। आपके सुझाव ही मन की बात के माध्यम से भारत की विविधता को प्रकट करते हैं, भारतीयों की सेवा और त्याग की खुशबू को चारों दिशाओं में फैलाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल यानी 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस भी है। कारगिल का युद्ध भारत की सेनाओं के शौर्य और संयम का प्रतीक है। इस बार ये गौरवशाली दिवस भी अमृत महोत्सव के बीच मनाया जाएगा, इसलिए ये और भी खास हो जाता है। मैं चाहूंगा कि आप सभी कारगिल के रोमांचित कर देने वाली गाथा जरूर पढ़ें। कारगिल के वीरों को हम सब नमन करें। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस बार 15 अगस्त को आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 साल होने के हम साक्षी बन रहे हैं। इस बार अमृत महोत्सव पर बड़ा कार्यक्रम होगा। उन्होंने कहा कि कितने ही स्वतंत्रता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। सरकार और सामाजिक संगठनों की तरफ से भी लगातार इससे जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथियों, इस बार 15 अगस्त को देश अपनी आजादी के 75वें साल में प्रवेश कर रहा है। यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जिस आजादी के लिए देश ने सदियों का इंतजार किया उसके 75 वर्ष होने के हम साक्षी बन रहे हैं। आपको याद होगा, आजादी के 75 साल मनाने के लिए 12 मार्च को बापू के साबरमती आश्रम से अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी। इसी दिन बापू की दांडी यात्रा को भी पुनर्जीवित किया गया था। तब से जम्मू कश्मीर से लेकर पुडुचेरी तक, गुजरात से लेकर पूर्वोत्तर तक, देश भर में अमृत महोत्सव से जुड़े कार्यक्रम चल रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं, ऐसे स्वाधीनता सेनानी जिनका योगदान तो बहुत बड़ा है लेकिन उतनी चर्चा नहीं हो पाई, आज लोग उनके बारे में भी जान पा रहे हैं। अब जैसे मोइरांग डे को ही लीजिए, मणिपुर का छोटा सा कस्बा मोइरांग कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA का एक प्रमुख ठिकाना था। यहाँ आजादी के पहले ही INA के कर्नल शौकत मलिक जी ने झंडा फहराया था। अमृत महोत्सव के दौरान 14 अप्रैल को उसी मोइरांग में एक बार फिर तिरंगा फहराया गया।
ऐसे कितने ही स्वाधीनता सेनानी और महापुरुष हैं जिन्हें अमृत महोत्सव में देश याद कर रहा है। प्योर रिपोर्ट, द अर्थ न्यूज़।